जब जब ये महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाता तब तब ये जो गोत्र है, ये जो लोग हैं, इन पर आशीषें आती थी। तब तब लोग ब्लेस होते थे, तब तब लोग धन्यवाद करते, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवनों में बहुत सारे आजादी को लेकर आता था, और वो भी साल में एक बार, सातवें महीने के दसवें दिन, साल में एक बार एक अद्भुत आशीषें लोगों पर आती थी। हमारा महायाजक हर सेकंड परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है और हमारे बारे में वहां पर बात करता है, हर रोज, साल में एक बार नहीं, सातवें महीने के दसवें दिन में नहीं, लेकिन हर सेकंड। जब भी आप ये याद करते हो, आपको स्मरण करने की आपका महायाजक परमेश्वर के सामने खड़े हैं हमारे नाम को लेकर, उनके हृदय पर हमारा नाम लिखा है, हमारा चित्र छपा हुआ है। ओ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद यहां पर इनका नाम गड़ा हो सकता है, लेकिन उसने हमारे चित्र को, हम हर एक लोग के चित्र को उन्होंने अपने सीने पर रखा है, और वो मध्यस्थी करते कि परमेश्वर आपको इनको ब्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सारी बातें मैंने इनके लिए की है, और आपको इन लोगों को आशीष देना ही पड़ेगा, और वो कहते कि मैं आशीष को रिलीज करने तैयार हूं। वो हर दिन, हर समय, हर सेकंड वो हमारे प्रति वो वहां पर बात करते हैं, और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमें प्रदर्शित करते हैं, वो हमें दर्शाते हैं।